दो दांत बड़े होंगे, बाकी सभी दांत छोटे होंगे, तो वो दो दांत की कही जाती है। साहिवाल में भी काफी कलर आते हैं, साहिवाल में सफेद नहीं होता है। जैसे ही वो सफेद हुआ 10 से 12 लीटर दूध आराम से कर देगी, लेकिन इसे आपको 18 20 लीटर दूध नहीं मिलने वाला है, कागज पे मिलेगी लेकिन आपके घर पे गाय नहीं होगी। ऑनलाइन अगर जो आपको कोई 5000 में देने की बात करता है तो उसको मत खरीदिए। 25,000 30,000 जहाँ पे ट्रांसपोर्ट लगेगा वो आपको कैसे फ्री ट्रांसपोर्ट की बात कर सकता है। हम नहीं कहते हमारे फार्म पे आके खरीदारी करें, आपके जो नजदीक लग जगह जो है विकास की लहर है कि आपको हर सरकारी अस्पताल में आपके ही गांव में कोई अच्छा पशु बिक रहा हो तो अच्छी गाय अपने नजदीकी, जितना नजदीक आप रहेंगे उतना बेहतर। अभी दो दांत की बात है मात्र, ये भी दो दांत की है। गाय की नस्ल पे नहीं डिपेंड करता है जी, उसके स्वभाव पे डिपेंड करता है। बच्चा करने में 10 से 12 दिन का समय ले सकती है आराम से, खाने पीने में बहुत फास्ट होती है। नमस्कार मित्रों, ने कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के जाने माने जो व्यापारी हैं, काफी जो है कम उम्र में इन्होंने जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश में अपनी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं और यादव डेयरी फार्म के नाम से जाना जाता है। इनका फार्म का संचालन जो है लगभग 3 पीढ़ियों से जो है इनका फार्म का संचालन हो रहा है और इनके फार्म पर हर नस्ल की गाय जो है उपलब्ध हो जाती है। इनके पास जो है कुछ साहिवाल गाय और कुछ जर्सी गाय है, तो उन गायों के बारे में पूरा डिटेल्स जानेंगे कि कौन सी बार बच्चा दी है, दांत में कितने हैं, कितना उसका मिल्क कैपेसिटी है, कितना उसका गाय का जो है डिमांड है। और एक जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं काफ़ी जो बड़ी साहिवाल गाय है, इस तरह की गाय जो है आपको ऑनलाइन जो है 35,000 में घर पहुँचा करके दिया जाता है। तो आप जो है इस तरह के लालच में ना पड़े, क्योंकि आप अपनी गाढ़ी कमाई जो है 30,000-35,000 रुपया दे करके गंवा सकते हैं, क्योंकि जिस गाय का डिमांड जो है मार्केट में 75,000-80,000-90,000 है, उस गाय को जो है आपको 35,000-40,000 में क्यों दिया जा रहा है, इसके पीछे भी आपको सोचना चाहिए। तो आप आंख बंद करके विश्वास न करें, कहीं से भी आपको खरीदारी करना हो, चाहे इन्हीं के यहाँ से भी क्यों ना खरीदारी करना हो, आप इनके फार्म पर आएँ या भारत के कहीं से भी आप खरीदें, उस फार्म पर जाएं, गायों को देखें, सुने, उनका हर एक्टिविटी को वाच करें, इसके बाद ही जो है गायों की खरीदारी करें। तो इस वीडियो में सर के द्वारा काफ़ी जो है महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया है। जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर। पशुपालक भाइयों को हमारा प्रणाम और आपका भी स्वागत है आज हमारे फार्म पे आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लखनऊ का एक ब्लॉक पड़ता है गोसाईगंज जी, उस गोसाईगंज ब्लॉक से मात्र 300 मीटर की दूरी फार्म पर, 300 मीटर की दूरी पे अपना फार्म पड़ता है जी। एक प्रकार से कह सकते हैं कि जहाँ से लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू हुआ है वो चांसराय बोलते हैं उसको जी, चांसराय ग्राम सभा के अंतर्गत भी अपना यह फार्म पड़ता है जी। मात्र सुल्तानपुर रोड से दूरी है 300 मीटर जी, जी। और मोहनलालगंज रोड पे अपना फार्म गोसाईगंज में उपलब्ध है, उपस्थित है। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे सर कि आपके पास जो गाय है किस किस ब्रीड की गाय रखते हैं, क्योंकि अगर देसी गाय किसी को लेना है तो सबसे पहले लोग जो है लखनऊ के गोसाईगंज के यादव डेयरी फार्म को एक बार जरूर याद करते हैं। देखिए, ये आप सभी का प्यार और सहयोग आशीर्वाद है कि आज हम इतनी संख्या में लगातार आज निरंतर फार्म पर गाय उपलब्ध करा रहे हैं। ये सभी का सहयोग, आदमी अकेले कुछ नहीं कर सकता जी, उसका एक माध्यम होता है और वो आप लोगों के द्वारा ये सहयोग और आशीर्वाद, अपने किसान पशुपालक भाइयों का आशीर्वाद, सभी का सहयोग, सभी का स्नेह मिला तो आज हमने ये इतनी बड़ी संख्या में काफ़ी आज मैंने गाय को जो है काफ़ी बड़ा फार्म को रूप दे दिया है। अपने पास साहिवाल, क्रॉस ब्रीड, जर्सी, गिर और कंक्रीज की बछड़िया, गिर की बछड़िया, थारपारकर, राठी, ये सारी गाय, गिरलैंडो जो ब्राजीलियन आई है, काफ़ी अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहता है, पुरानी जर्सी जो पंजाब की छोटी वाली जर्सी है वो, ये सारी नस्लें अपने पास आसानी से उपलब्ध हो जाती है। जो गाय अपने फार्म पे प्रेजेंट में नहीं रहती है, अगर हमारे कोई किसान भाई मांग करते हैं तो एक सप्ताह के अंदर उन गायों को हम अपने किसान भाइयों को उपलब्ध करा देते हैं जी जी। और अधिकतर तो ऐसे क्रॉस ब्रीड और साहिवाल, जर्सी की कभी ऐसी जो है दिक्कत रही नहीं, ये तो अपने पास हमेशा फार्म पे उपलब्ध रहती है। साहिवाल की बात करें तो हमें नहीं लगता हमसे ज़्यादा जो है यूपी में जो है कोई साहिवाल जो है लाता होगा, क्योंकि इस चीज़ को हम इसलिए कह रहे हैं कि उस चीज़ को हमने कर दिखाया है और लाते हैं, ऐसा नहीं है, सभी की वीडियो भी देखते हैं तो इस चीज़ को बिल्कुल हम कह सकते हैं कि साहिवाल के मामले में बेहतरीन जो है अपना काम सबसे बेहतरीन रहा है। तो ये हम गाय देख रहे हैं सर, काफ़ी जो है बड़ी गाय है और कद काठी में भी काफ़ी बड़ी है और शांत स्वभाव की है, आप देख सकते हैं। और
अगर किसी को देसी गाय चाहिए तो वो एक बार जो है यादव डेयरी फार्म पर जो है ज़रूर संपर्क करते हैं, और देसी गायों के लिए जाने माने हैं। और आप देख सकते हैं थन बाट भी इसका आपको हम दिखा दे रहे हैं, सर जो है थन में हाथ डाल रहे हैं, लेकिन जो है लोग बताते हैं कि देसी गाय जो है पैर चलाती है, तो इस तरह का इस इन गायों में स्वभाव नहीं है। आपके रख रखाव पर डिपेंड करता है कि आप जो है उस गाय का जो है किस तरह रख रखाव करते हैं। और इसका नाभि भी हम आपको दिखा दे रहे हैं, आप देख सकते हैं नाभि, और गलकम्बल भी आप देख सकते हैं काफ़ी जो है बड़ा जो है गलकम्बल है। तो इस गाय के बारे में सर थोड़ा डिटेल्स बता दीजिए। ये भी फर्स्ट टाइमर बच्चा है। फर्स्ट टाइमर है। इसकी साइज और हाइट की बात करें तो बहुत ही भारी भरकम बच्चिया है ये, और दांत में मात्र चार है। चार दांत की है। चार दांत की है। जो दांत की जानकारी हमारे नए पशुपालक भाई हैं उनको बिल्कुल आपके इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम बिल्कुल उन तक पहुंचाना चाहेंगे कि देखिए जब आप दांत के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो देखिए एक आठ दांत होते हैं गायों में और वो आपको छोटा बड़ा मिला के भी हो सकते हैं। तो अगर आठ छोटे दांत हुए जो दूध के दांत होते हैं तो वो अदंत रहती है, और वो अगर जो गाय की उम्र 2.5 साल हो जाती है तो 2.5 साल की उम्र में वो अपने दो दांत जो है उखाड़ के जमा देती है। जी जी। आपको दो दांत छोटे होंगे, दो दांत बड़े होंगे, बाकी सभी दांत छोटे होंगे तो वो दो दांत की कही जाती है। और अगर जो दांत चार छोटे दांत हुए और चार बड़े दांत हुए तो वो चार दांत हो जाती है। जब छह दांत बड़े हो, दांतों का साइज फुल हो और दो साइड में छोटे दांत लगे हों तो वो छह दांत होती है। जी। और ये बछिया अभी जो है चार दांत की है। इस प्रकार से हम बांध कर दिखा दीजिएगा। ये देखिए दो छोटे दांत अंदर से लगे हुए हैं। जी। तो ये अभी जो है चार दांत की है। जी। इसकी उम्र अब जो है 3 साल हुई है इस बछिया की। जी जी। बढ़ा दीजिए उधर। अभी दो छोटे दांत इधर और दो छोटे दांत उधर। ये चार दांत की फर्स्ट टाइमर बच्चिया है। जी जी। प्योर साहिवाल है। सिधाई के मामले में, थनबाट के मामले में एकदम क्लीन है। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि देसी गाय पैर चलाती है, फर्स्ट टाइमर है। जी। बात करें तो इसमें साहिवाल में भी काफी कलर आते हैं। आपको बिल्कुल गहरा कलर भी मिल सकता है इसमें। ब्लैक भी आता है। जी। ये पीला कलर भी आता है, रेडिज ब्राउन। जी। बाकी इसमें सफ़ेद की बात करें तो साहिवाल में सफ़ेद नहीं होता है। जैसे ही वो सफ़ेद हुआ तो वो थारपारकर हो जाता है। जी जी जी। और थारपारकर में काफ़ी चीज़ें जो है जो बहुत ही बारीक चीज़ें हैं वो आपको जो है। तो साहिवाल की फर्स्ट टाइमर बच्चिया है। बहुत ही शांत है, लोगों के पास ही जाएगी। जी जी। जो है वो फैलाने के लिए अधिकतर। जी। तो क्या इससे उम्मीद करते हैं सर दूध का? देखिए देसी नस्लों में हमने कई बार बताया भी है, बहुत ही बेहतरीन सवाल रहा आपका, और इस चीज को हमारे किसान भाई देख भी बराबर रहे हैं कि गाय कितनी भी बड़ी हो जाए साहिवाल, जी जी, और उसकी दूध की मात्रा जो है हम 10 से 12 लीटर ही उसकी बात करते हैं। गाय का साइज काफी बड़ा है लेकिन हम इसमें आपको 10 से 12 लीटर की बात करेंगे कि 10 से 12 लीटर दूध आराम से कर देगी। जरूर हमारे कंधे से ऊपर जा रही है। जी जी। बछिया, लेकिन अगर जो अच्छी खिलाई पिलाई सेवा हो जाती है, अच्छा इन्होंने अडर अगर जो बनाया, तब इनमें हम 13-14 लीटर की बात कर सकते हैं, वरना तो हम 10 से 12 लीटर की ही बात करेंगे। जी जी। क्योंकि ऐसी गायों को बहुत सारे लोग अन्य प्रदेशों में आपको 18-20 लीटर की बात जरूर करेंगे, लेकिन इससे आपको 18-20 लीटर दूध नहीं मिलने वाला है। जी। जब ये देसी हुई, आपको शुद्ध भारतीय नस्लें हैं, तो इसमें आपको 10 से 12 लीटर ही दूध, आपको गाढ़ा भी चाहिए, फैट भी ज्यादा चाहिए और दूध भी ज्यादा चाहिए तो नहीं मिल सकता है। जी। एक ही चीज आपको इसमें जो है आपको प्राप्त होगी। जी। जो आपको अच्छा दूध चाहिए तो 10 से 12 लीटर दूध आपको आराम से। अगर कोई इस तरह की गाय लेता है सर तो क्या? देखिए अब गायों पे रेट की बात करें तो अच्छी साहिवाल जो होती है वो आराम से 60,000 से 65,000 रुपए के बीच में उपलब्ध हो जाती है अपने पास। जी। 50,000 में भी हो जाती है, तो गाय की कदकाठी और सुंदरता के ऊपर है। लेकिन कल गाय हमें बहुत ज्यादा नहीं प्राप्त हुई तो हमें जो है गाय लेना पड़ा, और ये बछिया मान के लिए इसको हमने काफी ज्यादा पैसे में खरीदा था, इसको हमने सेल भी कर दिया है। जी जी। और इस बछिया को शुक्ला जी ने लिया है, लखनऊ वाले, उन्होंने अपने जो है किसी गेस्ट को दिलवाया है, और ये हमारे लखनऊ में ही रहेगी, मात्र हमारे वहाँ से 15-16 किलोमीटर दूर जा रही है। जी जी। तो ये सेल हो चुकी है बछिया। जी। कितना में सेल हुई है? इसको हम 75,000 रुपए में बछिया को दिए हुए हैं। 75,000 रुपए में। जी जी। तो ऐसी गाय सर तो किसी अन्य प्रदेशों में जो है 30,000-35,000 में उपलब्ध करा दिया जाता है, और आप जो 75,000 बोल रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, 30,000-35,000 में जो बात गाय देने के लिए बात करते हैं वो आपको
नाम के लिए गाय आपको मिलेगी, कागज पे मिलेगी हाँ। लेकिन आपके घर पे गाय नहीं होगी, वो पेमेंट आपका उनके खाते में होगा और उसके बाद उनका फोन स्विच ऑफ होगा हाँ। वो गाय आपको नहीं मिल पाएगी। ये आप इस धोखाधड़ी से बिल्कुल बचने की कोशिश करिए हाँ। आप ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन अगर जो आपको 30-35 हजार में कोई देता है हाँ। तो 50 हजार में भी आप खरीद लीजिए और 60 हजार में भी खरीद लीजिए, लेकिन ऑफलाइन खरीदारी करिए उसकी, ऑनलाइन नहीं। ऑनलाइन अगर जो आपको कोई 5 हजार में देने की भी बात करता है तो उसको मत खरीदिए, क्योंकि उनके लिए 5 हजार ही काफी जो है ज्यादा है जी जी, क्योंकि वो आपको गाय नहीं मिलने वाला है, वो आपके साथ जो है बहुत बड़ा फ्रॉड है जी। आपके पैसा आपका चला जाएगा, अकाउंट में पैसा लगवा लेंगे हाँ। और 30-35 हजार में ऐसी गाय दिखाएंगे देने के लिए हाँ। और फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री आप जो है ट्रांसपोर्ट करने की बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट चार्ज ही आपका जो है लगभग 25 हजार के ऊपर लग रहा है, और 25-30 हजार जहाँ पे ट्रांसपोर्ट लगेगा हाँ। वो आपको कैसे फ्री ट्रांसपोर्ट की बात कर सकता है। इस ऑनलाइन खरीदारी से बचे हाँ। सबसे बड़ा हमारा जो है लोगों से यही निवेदन है हाँ। आग्रह है कि आप फार्म पर जाकर गाय की खरीदारी करें, कहीं भी खरीदें, हम नहीं कहते हमारे फार्म पे आके खरीदारी करें हाँ। आपके जो नजदीक लगे बेहतरीन लगे हाँ। आप गायों को एक कीजिए, लोग कहते हैं कि नहीं हम राजस्थान और हरियाणा से ही खरीदेंगे हाँ। ये भी संशय निकाल दीजिए हाँ। समय का परिवर्तन हो चुका है हाँ। आप हर एक जगह जो है विकास की लहर है कि आपको हर सरकारी अस्पताल में हर नजदीकी आपके सेंटर हो गए हैं हाँ। कि वहाँ पे आपको अच्छे से सीमन उपलब्ध हो रहे हैं और सभी जो बाहर से आ रहे हैं हाँ। सभी जो है कोई यहाँ पे नहीं तैयार किया जा रहा है, तो अच्छे सीमन अच्छे बुल के सीमन मिल रहे हैं, तो आपको हो सकता है आपके पड़ोस में ही अच्छी गाय हो जी जी जी। आप हरियाणा और राजस्थान भाग रहे हैं, आपको नहीं भागने की जरूरत है, आपको हो सकता है जो है आपके ही गांव में कोई अच्छा पशु बिक रहा हो जी, तो अच्छी गाय अपने नजदीकी, जितना नजदीक आप रहेंगे उतना बेहतर आप देख सकेंगे जी, उतनी बेहतरीन जानकारी उसके बारे में हासिल कर सकेंगे जी। तो ये जो है आप कोशिश करें कि बाहर ज्यादा दूर ना जाकर आप अपने जो है नजदीकी गाय की खरीदारी करें तो वो बेहतर होगा जी, और आपको अच्छा पशु और अच्छी जानकारी आपको वहाँ से प्राप्त हो सकती है। और ये सेकंड गाय है सर जी, पहले जो है इस गाय के जो है ऑर्डर की बनावट हम आपको दिखा दे रहे हैं और पहले घुमवा दे रहे हैं इस गाय को। गाय जो है बच्चा दी है, बच्चा इसका देख सकते हैं बछड़ा है, और उस गाय से एक थोड़ा छोटी गाय है और इसका कलर भी थोड़ा डार्क है सर जी। जैसे मैंने कहा था कि साहिवाल में कलर, तो देखिए ये भी साहिवाल है जी, और इसका कलर जो है काफी गहरा है। अभी दो दांत की बात है मात्र, ये भी दो दांत की है, दो दांत अभी मैंने उसमें आपको चार दांत दिखाए और इसमें भी आपको अभी हम दो दांत दिखाते हैं कि कैसे जो है दो दांत की बाछी, दो दांत कैसे देखे जा सकते हैं। ये अपने नए पशुपालकों के लिए है, अपने पुराने किसानों के लिए नहीं। देखिए दो बड़ा दांत है जी जी। और ये साइड में तीन छोटा दांत है हाँ। तो ये दो दांत की बाछी है अभी, इसकी उम्र जो है वो 2.5 साल है जी, 2.5 साल की बाछी है, और इसने जो है बछड़े को जन्म दे दिया है, एकदम शांत है। ये देखिए ये सिधाई आपको इसमें देखने को मिलेगी। देसी नस्लों में अधिकतर लोगों का कहना होता है कि नहीं ये फास्ट होती हैं, तो देखिए गाय की नस्ल पे नहीं डिपेंड करता है जी, उसके स्वभाव पे डिपेंड करता है कि इनका कैसा व्यवहार रहा, कैसे उनके जो है रख रखाव रहा। तो ये बाछी अभी फर्स्ट टाइमर है, अभी दो दांत की, 2.5 साल उम्र की, और इसने बछड़े को जन्म दिया। इसका गलकम्बल, नाभि, हाइट तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं आया जी, लेकिन इसमें चमक बहुत अच्छी आई और नस्ल बहुत अच्छी रही इसकी। कितना दिन हो गया सर बच्चा? अभी परसों बच्चा दी है जी, बच्चा इसका तो बछड़ा है, बछड़ा है इसका। तो क्या उम्मीद करते हैं सर इसे? 10 लीटर दूध आराम से ये भी करेगी, 10 लीटर दूध कर देगी, क्योंकि इनका जो पुराना रिकॉर्ड रहा है हाँ। ये गाय तो हमारे ही ये यूपी की खरीदी हुई है जी जी, और इसका जो माँ है उसने जो है 15 लीटर दूध निकाला है जी जी। एक प्रोफेसर साहब है हाँ। उन्हीं की जो है ये गाय है जी, हमारी ही गाय दी हुई थी, उसी की बच्ची है जी, फर्स्ट टाइमर उन्होंने जो है ये बच्ची फर्स्ट टाइम की है, उन्होंने हमें दिया है जी। तो 10 लीटर दूध से करेगी बार में, दूसरी बार दूध ज्यादा करेगी जी, बार जी। करेगी तो फर्स्ट टाइम में 10 लीटर तो मायने रखता है, क्योंकि ऑर्डर अच्छा है, जितना भी ऑर्डर इसका बना हुआ है हाँ। तो पूरा जो है ठोस है, कोई मतलब जो है ऐसा नहीं है, गाय छोटी है लेकिन ऑर्डर इसका छोटा नहीं है जी जी। टाइम टाइम पे जो है अपने ऑर्डर को जो है बेहतरीन मेंटेन कर रही है। तो क्या उम्मीद है सर इससे? 10 लीटर क्या डिमांड है इसका? इसका डिमांड, इसको हमने ऑनलाइन खरीदा था, ऑनलाइन खरीदा था उसको, तो आप तो जानते थे, देख घर दरवाजा सब कुछ, हम उनसे परिचित थे, लेकिन हमने आलस किया और हम उनके घर नहीं पहुंचे गाय को देखने के लिए। पहले तो हमने इसको जो है 65 हजार रुपए में खरीदा और उसके बाद फिर जो है जब हमारी लोडिंग होने गई गाय, तो ये कि वो हमसे जुड़े हुए थे, अगर जो शायद हम गाड़ी वाले को भेजे और गाड़ी वाले ने कहा, हमारे ड्राइवर ने, कि भैया वो गाय उतनी वजन नहीं है, फिर इसका हमने कुछ कीमत कम कराया, कुछ कम हुआ लेकिन फिर भी हमें बहुत महंगी पड़ गई, उतना नहीं कम किया उन्होंने, हमें जो है
इसको हम 60,000 रुपए में अपने किसान भाइयों को उपलब्ध करा देंगे। 60,000 और लगभग ऐसे ही जो है हमारे फार्म पे आके खड़ी हुई है। जी जी। लेकिन ये अगर जो 50,000 के आसपास होती तो बेहतर होता। जी जी। तो ऑनलाइन का देखिए यही एक वो है कि आप ऑनलाइन से बचने की कोशिश करें। ऑनलाइन में आपको फोटो में हो सकता जो है बहुत बड़ी दिखे और मौजूद अगर जो आप स्थिति देखेंगे तो आपको छोटी दिख सकती है। हमने इसको फोटो पे बहुत बड़ा हमें तो उतनी बड़ी गाय दिखी फोटो में जितनी बड़ी वो गाय देख रहे हैं। तो वर्तमान जो हमारे सामने आई तो काफी छोटी निकली बछिया, लेकिन ये कि इसका गुंडंग अच्छा निकला, बछिया साफ निकली तो ये अपना जो है नुकसान नहीं करेगी और अपने कीमत में ये बेहतर है। जी। लेकिन अगर जो यही जो है इसके ये गुंडंग ये सीधाई ये शांति ये सब कुछ नहीं होता तो ये जो है जरूर जो है नुकसान कर जाती है। और ये जो हम गाय देख रहे हैं सर, ये बछिया जो है जर्सी कॉफ है, जर्सी है। तो इस गाय को भी घुमा करके हम दिखा दे रहे हैं और हर तरह की गाय जो है ये सेल करते हैं, चाहे HF क्रॉस में गाय हो, साहिवाल हो, गिर हो, गिरलैंडो हो। तो आप देख सकते हैं इस गाय के भी। तो इस गाय का डिटेल सर बता दीजिए। जर्सी है, कद में तो छोटी है लेकिन अडर से काफ़ी बेहतरीन है। थन बाट की सफाई भी अच्छी है। अच्छा अडर करेगी, बढ़ा दीजिए। जी। दूध की बात करें तो 12 लीटर दूध आराम से कर देगी। 12 लीटर? हाँ, 12 लीटर दूध कर देगी। अच्छी खिलाई हुई तो 1-2 लीटर ऊपर भी जा सकती है। जी जी। कितना दिन समय है सर इसको बच्चा करने में? 10 से 12 दिन का समय ले सकती है आराम से। तो ये कौन सी नस्ल में आएगी? ये जर्सी बोल सकते हैं इसको, प्योर जर्सी बोल सकते हैं। इसमें जो है कोई साहिवाल नहीं है, लेकिन जर्सी पूरी तरह से जो है। जी है। दांत में? दांत में देख लेंगे एक बार, हम इसे देखे नहीं है लेकिन देखेंगे और आपको भी जो है वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। चार दांत है। जी जी। ये देखिए। हाँ। दो छोटा दांत जी और ये बड़ा दांत जी, काफी ताकतवर है। तो क्या उम्मीद करते हैं सर इससे? दूध करेगी 12 से 14 लीटर इसमें। और रेट की बात करें तो इसको हम 45,000 रुपए में उपलब्ध करा देंगे। 45,000 जो है इस गाय का जो है डिमांड रहेगा। 45,000 और मिल्क कैपेसिटी जो है 12 से 14 लीटर प्लस तो आराम से करेगी। जी जी जी। क्योंकि इसकी नस्ल है, नस्ल पे दूध करेगी। जी जी। और ऐसे ही कंडीशन सेम इसकी है। जी। इस बछिया की, लेकिन ये एक थोड़ा अलग चीज है। जी। बछिया अच्छा, वो भी जर्सी फर्स्ट टाइम बछिया है। हाँ। और मिल्क वैन देखिए इसका। जी। जर्सी में ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ये पंजाब की जर्सी है, छोटी होती है लेकिन इसके जो है अधिकतर परफॉर्मेंस इसका बहुत अच्छा होता है। तो पुरानी वाली जर्सी यही वाली है, कहीं भी रख सकते हैं इसको आप, कूलर पंखा लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ। बहुत ज्यादा इसको जो है सुविधाएं व्यवस्थाएं नहीं देने की जरूरत है। जी। पहली बच्चिया अभी चार दांत की। जी। फर्स्ट टाइमर है। हाँ। अभी बच्चा करने में 12 से 15 दिन का समय ले लेगी। जी जी। तो कितना इससे उम्मीद करते हैं सर? 10+12+? नहीं, 12+ करेगी। 12+ करेगी, निकल गई तो 14 लीटर भी इसके लिए कुछ नहीं है। जी जी। क्योंकि खाने पीने में बहुत फास्ट होती है और जिस तरह से खाने पीने में फास्ट होती है उस तरह दूध में भी ये फास्ट होती है। इनका कोई उम्मीद नहीं कितना बन जाए। जी जी। हो सकता है 20 से ऊपर भी दिन अगर ले लिए तो ये बहुत अच्छा ऑर्डर कर सकती है। खाने पीने में बहुत फास्ट होती है। जी। तो क्या इसका डिमांड रहेगा सर? इसका भी डिमांड जो है लास्ट 45,000 रुपए रखे, 45,000 रुपए में इसको भी उपलब्ध करा देंगे। तो मान लीजिए 45,000 रुपया प्लस जहाँ पर ले जाना है वहाँ पर का भाड़ा लगेगा। हाँ, वो आपको जहाँ पे ले जाना है वो ट्रांसपोर्ट चार्ज आपको। और इस तरह की गाय तो 25,000 में भी मिल जा रही है घर पहुँचा कर। हाँ बिल्कुल। हमारे बहुत सारे ऐसे किसान भाइयों ने पैसा जो है लगा दिया और 25 से 30,000 के रेट में 25,000 में मिल जाएगी। 25,000 रुपए उन्होंने रेट को देखा और तुरंत अकाउंट में पैसा लगा दिया। 18 से 20 लीटर दूध उनको बताया गया। जी। आप खुद सोचिए कि जहाँ की दूरी इतनी होगी, इतना कम रेट होगा, वो कैसे संभव हो ही नहीं सकता। जी, जी। आप उस चीज को जाकर देख सकते थे। हाँ। वीडियो कॉल पे देख कर भी आप ये कंफर्म कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि जो गाय उनके पास उपलब्ध नहीं वो आपको वीडियो कॉलिंग में उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। हाँ। हो सकता है वो हमारे फार्म की गाय हो, दूसरे फार्म की गाय हो, किसी भी फार्म की गाय को वीडियो जो है भेज कर पैसे खाते में लगवा दिया करते हैं, अपना आधार कार्ड वगैरह भेज कर। तो आप कोशिश करिए कि फार्म पर जाकर ही खरीदारी करें। तो चलिए, काफी अच्छी बछिया है, हाइटदार है, कद काठी में भी जो है छोटी नहीं है, सीधी एकदम शांत है। चलो, तो चलिए, काफी अच्छी जानकारी सर, आप हमारे दर्शकों के साथ अपना अनुभव और कुछ गायों के बारे में जानकारी दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।